जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम यहाँ पर पाकिस्तान चौक पे खड़े हुए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के दिए हुए फंड्स के ज़रिए जो है तरक्याती काम जो है वो जारी है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। PS 110 में काम हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पे हमारी पूरी टीम मौजूद है, हमारे सारे वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो दिन रात खड़े होते हैं। कुछ यहाँ के इलाके के रिहायशी भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये पानी की लाइन की हमेशा कंप्लेन होती थी कि पानी के अंदर जो है वो सीवेज का पानी आ जाता था, कंटेमिनेशन हो जाती थी। तो वाटर बोर्ड की जो है मशवरे के ऊपर ये हमने 1300 रनिंग फिट जो है पाइप हम तब्दील करा रहे हैं। इससे पाकिस्तान चौक का इलाका, हकानी चौक का इलाका और ये यहाँ पे जो आपका आरामबाग का जो एरिया है, आरामबाग थाने का जो इलाके के जितना भी सराउंडिंग एरियाज़ हैं, यहाँ पे जितनी भी पानी की शिकायत थी वो दूर हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी लाइन है, इसकी चौड़ाई भी जो है वो बहुत ज़्यादा 8 इंच मेरे ख्याल से लाइन है ये। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि इसी तरीके से पूरे कराची के अंदर तरक्याती काम चल रहे हैं। आप अपने MNA से रابطہ करें, ये काम भी जो है हमारे MNA आफ्ताब सिद्दीकी के जो फंड्स हैं, जो कि वज़ीर आज़म ने उनको दिए हैं, उनके फंड्स के ज़रिए काम हो रहा है। सिर्फ पानी की लाइन नहीं, सिर्फ सीवेज नहीं, बल्कि रोड कार्पेटिंग भी हो रही है, स्ट्रीट कार्पेटिंग हो रही है और गली मोहल्लों में जो आपके जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको चेंज किया जा रहा है। सो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरीके से इसी तरह काम करती रहेगी। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा ये हमारी पूरी टीम को जो यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस वक्त दोपहर की धूप में भी खड़ी हुई है। आप लोगों को अगर अपना काम कराना हो अपने इलाकों के अंदर जहाँ से तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs जीते हुए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उनसे रब्ता करें और अपने इलाके को बेहतर करवाएं।